तो ये सब रास्ता का एक ही मूल मंत्र है। भाई साहब यहाँ भी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। आए आदमी यार चढ़ नहीं पा रहा है। चलो 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 अरे यार मॉर्निंग फ्रॉम लाचेन। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सुजीत एंड यू आर वॉचिंग कोलकाता राइडर सुजीत। सो दिस इज डे 3 ऑफ मिशन गुरु दोंगबार। तो कल का अगर आपने राइड देखा होगा तो पता होगा कल का रुका था मैं लाचेन में। तो ये है नज़ारा कुछ होटल का पीछे से। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ मिशन गुरु दोंगबार सीरीज, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ गुरु दोंगबार लेक। तो वेदर अच्छा नहीं है फिलहाल, थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग हो रहा है, तो आई थिंक आगे बारिश मिलेगा। अभी पूरा रेन गियर लगाना है। अभी टाइम हो रहा है 6:05। तो चलिए सीधा मिलते हैं फिर आपसे गोप्रो मोड में। तो कल का जो टोटल किलोमीटर हुआ था 199.20। सो दिस इज डे 3 ऑफ मिशन गुरु दोंगबार और आज जा रहे हैं गुरु दोंगबार लेक। यहाँ से डिस्टेंस अराउंड 60 किलोमीटर है। तो जर्नी शुरू करते हैं माता का नाम लेकर, जय माता दी। और अभी सुबह से ही देख लीजिए कितना जैम हो गया। तो टाइम हो रहा है 6:30। तो अगर आप लाचेन से गुरु दोंगबार के लिए निकल रहे हैं तो ट्राई टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो टाइम हो रहा है 6:40 और अभी जैम से निकले हैं। और सामने का व्यू देखिए, इतना खूबसूरत वाटरफॉल। और फ्रेंड एक सजेशन है मेरा, अगर आप गुरु दोंगबार या फिर नॉर्थ सिक्किम राइड करने आते हैं तो ठंड का कपड़ा लद्दाख से ज़्यादा लेकर आइएगा। स्पेशली रेन के लिए पूरा प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम भी आया था तब भी रेन हुआ था, अभी भी रेन हो रहा है। तो यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर के बाद चेक पोस्ट है, तो वहाँ पर गोप्रो मेरे को ओपन करना होगा। ज़ीमा वन ब्रिज। माई गॉड, फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग ऑफ द डे। ओहो, चलो इजी। तो सारा लगेज होटल में ही रहने दिया है, क्योंकि रिटर्निंग इसी रास्ते से आना है। सिर्फ टैंक बैग लिया है, कैमरा गैजेट्स वो सब लिया है। और वेदर तो बहुत खतरनाक होके रखा है। सो दिस इज द चेक पोस्ट। यहाँ पे परमिट चेक कराना होगा एंड इसके जस्ट पास में ही है वर्ल्ड हाईएस्ट डोसा पॉइंट। यहाँ पे आए और डोसा नहीं खाए तो क्यों आए भाई साहब यहाँ पे? तो यस ऑफ कोर्स वी आर हैविंग डोसा हियर। वेदर आप देख ही सकते हैं, इतना ख़राब वेदर है कुछ कहने का नहीं है। और अभी भी यहाँ से डिस्टेंस अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिडन अराउंड 30 किलोमीटर्स। टाइम हो रहा है 8:34। सतीपाइन बोलो केमन लागछे वर्ल्ड हाईएस्ट डोसा पॉइंट ऐसे हैं? डोसा पॉइंट ऐसे भले ही लगछे। और हमारा डोसा का फेवरेट स्पेशल होचे मसाला चीज होचे ठीक है। से पावा जाछे এখানে এখানে চিজটা পাওয়া যাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল যে এলে ওরা কুড়ে দেবে ঠিক আছে। তো নেক্সট টাইম যদি কোনো দিন আসে আমি চিজ নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে চিজ ডোসা খেতে হয় তাহলে চিজ নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে। সেখানে মেনু অনেক কিছু আছে, আপাতত হচ্ছে ইডলি আর ধোসা পাওয়া যাচ্ছে আর চালের চা পাওয়া যাচ্ছে। আমরা অর্ডার দিয়েছি দুটো মশলা ধোসা আর কিছু চা চালা খাওয়া হয়ে গেছে। তো দামটা বলো তো। মশলা ধোসা হচ্ছে 7 টাকা করে ঠিক আছে। এখানে প্রথম একটা স্পেশাল ধোসা দেখলাম, হয়তো অনেক জায়গাতে পাওয়া যায় আমি কোনোদিনও দেখিনি, এগ ধোসা ঠিক আছে। ওটা আমি খাবো বলেছিলাম কিন্তু নেই। এগ ধোসা? এগ ধোসা ইয়েস, মানে ভ্যারাইটি অফ ডোসা ইজ অ্যাভেলেবল হিয়ার। तो अगर आप आ रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं। और रेट भी ठीक ठाक ही है, नॉर्मल ही है, 60 रुपये नॉर्मल है। भाई है तो पूरे लिखा रहे 60 टका तो कम ही कम ही आएगा। आर्मी को बोले आर्मी को मैं जाएगा बोले सब उन्हें जो ना नीचे गाड़ी को ना आज उन्हें क्यों जाने ना ये टा आज तो गाड़ी को ना क्यों करे उन्हें आगे तार को लिया जाए तार को लिए जो प्राइवेट जगह ना आज से वो लोग के लोगे के खाइए ना। तो जगह का नाम है थांगू और जस्ट परमिट यहाँ पे चेक होता है और यहाँ पे डोसा पॉइंट है। तो चलिए हम लोग का डोसा वहाँ भी गया होगा, चलिए खाते हैं।
तो टाइम हो रहा है 9:31 और अभी जस्ट थांग चेक पोस्ट से निकले हैं। तो यहाँ पे अगर ऑफलाइन आप बनवाते हैं परमिट तो आपको लाइसेंस वगैरह दिखाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत लोगों से लाइसेंस मांगा जा रहा था क्योंकि उन लोग ऑनलाइन परमिट अप्लाई किए थे। एंड लुक एट दैट, क्या खतरनाक सीन है भाई। और इंद्र देव पूरा प्रसन्न है पता नहीं क्यों। ये देखिए लैंडस्लाइड हुआ रोड पे, पूरा पत्थर। तो फिर से यहाँ पे जैम, आई थिंक लैंडस्लाइड हुआ आगे। तो यही चलता आ रहा है। तो रिकॉर्ड करने का तो मन नहीं कर रहा था, बट आई थॉट कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ गोप्रो मोड में, कि अगर आप आ रहे हैं तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज हर्डल्स, ये सारा रास्ते में आ सकता है। और थोड़ा थोड़ा सांस फूल रहा है तो कपूर वगैरह लगा लिया है। तो यहाँ पर रुक करके गोप्रो सेट किया। तो यहाँ से दो चेक पोस्ट आएगा थांग क्रॉस करने के बाद, आपको 20 किलोमीटर के बाद एक और चेक पोस्ट है। तो दिस विल बी द लास्ट चेक पोस्ट फॉर गोजोंगमार। और माइक मैंने खोल दिया है तो मे बी आपको साउंड थोड़ा स्लो आ सकता है, तो प्लीज़ मैनेज। और कैमरा का एंगल भी थोड़ा सा नीचे हो सकता है क्योंकि एडाप्टर मैंने नहीं लगाए हैं और बहुत ठंड लग रहा है, जिसके वजह से मैं थोड़ा फंबल भी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। हाँ बहुत ठंड है यार। तो गुरुदोंगमार यहाँ से रह गया 13 किलोमीटर। तो फर्स्ट चेक पोस्ट था थांग, वहाँ से लेकर के यहाँ तक रोड एकदम ख़राब है। एकदम ख़राब मतलब पूरा का पूरा ऑफ रोडिंग है। इसके बाद आपको जो लास्ट चेक पोस्ट होगा उसके 2 किलोमीटर के बाद आपको ऐसा टार्मक रोड आएगा। अमेजिंग, कैन यू सी द रोड। तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगे तो देखिए हम लोग किस तरह से काम चलाते हैं। की करछो दीपायन? की करछो? हाथ गरम करछि। এটা কি হিটার? হিটারের কাজ গরম করা আর আমার কাজ হচ্ছে গরম জিনিস হাত টাকা দেবো। সমঝ রে হো? তো টাইম হুয়া হ্যায় 11:41 আর আভি গুরুদোংমার লেক ইয়াহাঁ সে 1 কিলোমিটার বাকি হ্যায়। आने में बहुत ही हालत ख़राब हो गया। एक्चुअली रास्ता अच्छा है, जो लास्ट चेक पोस्ट है उसके बाद से रास्ता बहुत ही अच्छा है, बट ये जो ड्रिजलिंग हो रहा है ना इसके वजह से राइड करने का एकदम मज़ा ही चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ रहा है। गोप्रो ही प्रॉब्लम कर रहा है तो ये वजह से लेट हो रहा है। मेन जो चढ़ाई है यहाँ से स्टार्ट होगा गुरुदोंगमार के लिए। ठीक है ড্রাইভক্স আমাদের বুলাকটার দাদা একটা বুলে কাছে একটু পুরো রেসে কিন্তু আনিনি, আমি দীপায়ন ঘর সে এসেছেন ওই বাদ নেই, কিন্তু যে আসবে সব কিছু তৈরি হয়ে আসবে। কাপুরটা এখানে দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ দেখো এখানে শুনতে শুনতে যাচ্ছে कई जगह ना पा रहे हो ना तो अंडर एस्टिमेट मत करना। मैं इसको अंडर एस्टिमेट किया था क्योंकि मेरे को लगा इतना हाई एल्टीट्यूड से मैं करके आ गया तो ये इसमें कुछ नहीं होगा। मजार जिनिस बोली आज के हमें सकाले जो जामा कपड़ पड़ी प्रथम एक उलिकटर गेंजी तरह एक फुलता स्वेटर तरपर एमनी एक गेंजी मैं नर्माल तरह जैकेट पड़ी विंटर लाइनर एंड रेन लाइनर। दादा बोल এত পড়ছো কেন? এই তো কি হবে, আমার ভুল আমার ভুল, অ্যাকসেপ্টেড। আমি এই দেখো না এই একটা লাইনার আর একটা কি মানে আভি মে কে আউরান পুরো কাঁপ রহা হুঁ কিউকি ইয়াহাঁ পে জো টেম্পারেচার হ্যায় ও 1-2 ডিগ্রি হোগা উসসে জ্যাদা নেই হোগা রাইট? 0 তো নয় 1-2 ডিগ্রি হোগা। টেম্পারেচার বলতে পারছি না কারণ ফুল কাজ করছে না মানে 1-2 ডিগ্রি হোগা ইতনা আন্দাজা হ্যায় কিউকি আমি পাতা চলা উপর গুরুদোংমার লেক মে স্নোফল ভি হো রহা হ্যায়। तो चलिए अगर स्नोफॉल मिलता है तो वहाँ भी दिखाते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब यहाँ भी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है और रियली में और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो दिस इज़ द कट, यहाँ से लेना है राइट
গুদুংমার লেক। तो इसी को माना जाता है द टफेस्ट राइड ऑफ नॉर्थ सिक्किम। तो देखते हैं कितना टफ है। तो माता का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं द टफेस्ट राइड। जय माता दी। ओ भाई साहब, यहाँ तो रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि किधर से जाना है। सबसे बड़ा चीज़ ये है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा रास्ते से जाना है, वही आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर जो आपको इजी लगता है उसी रास्ते से जाइए, किसी और को देख करके आप रास्ता चूज मत कीजिए। तो बाकी ना चढ़ाई है। तो ये सब रास्ता का एक ही मूल मंत्र है, एक नंबर में दीजिए और मोमेंटम में क्रॉस करना है भाई, रुकना नहीं है। रुक गए मतलब गुड बाय, गया। जय माता दी। ब्लैक पैंथर के लिए ये सब मुश्किल नहीं है। चलो चलो चल, अरे यार चलो। तो यही होता है एक्चुअली, ये सब जगह में क्या होता है ना, पूरा मोमेंटम बना के चलना होता है। तो एनीवे इट वाज नॉट टू टफ। तो यस, दिस इज द माइटी गुरुदोंगमार। टोटल जो मेरा होटल से किलोमीटर हुआ है वो हुआ 66.8 किलोमीटर। टाइम हुआ 12:10। तो वेलकम टू इंडिया सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट लेक गुरुदोंगमार लेक। तो अगर आप आते हैं तो आपके लिए एक सजेशन भी है, ज़्यादा भाग दौड़ ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा, सांस फूल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं मैं बीच बीच में फंबल कर रहा हूँ। रीजन इसका यही है कि बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सांस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आप आते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अवॉइड कीजिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ से निकल যাইছে। কিছুটা হলো উসুল হলো, ঠিক আছে। স্নোফল এনজয় করছে কিন্তু হেলমেট খুলছে না, গ্লাভস খুলছে না, শুধু আমাকে খুলে খুলে রেকর্ড করতে হচ্ছে। একবার গ্লাভস খুলে আমি ঢোকা দেওয়াচ্ছি না, আর বিনা গ্লাভসে আমার হাত রীতিমতন শক্ত হয়ে যাচ্ছে, আঙুল পুরো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। মেরা নাম প্রণব হ্যাঁ, হম আসাম সে আয়ে হ্যাঁ। আসাম সে আয়ে হ্যাঁ। কেসা লাগ রহা হ্যায় আকে স্নোফল দেখ কর? মজা আ গয়া, মজা আ গয়া। কিতনা টফ থা? বহুত জ্যাদা টফ থা। হম লোগ এনএস লেকে আ গয়া, এনএস লেকে আ গয়া হ্যায় গুয়াহাটি সে। মেরা এনএস লেকে আ গয়া, আঙুল ক্যারি করে এই রাস্তা দিয়ে উঠি বললে কুছ কোনো প্রবলেম নেই হ্যায়। হম লোগ আ গয়া, গ্রেট ইয়ার গ্রেট। হম লোগ গাইস ইয়াহাঁ পে বহুত সারে লোগ মিল রহে হ্যায়, বহুত সারে লোগ। আনা থোড়া ডিফিকাল্ট থা, जितना वीडियो में मैं देखता हूँ उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और इस लेक का एक कहानी भी है,
कहानी मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता ही देता हूँ। तो ये बहुत साल पहले का बात है, जब ये पूरा लेक पूरा फ्रोजन हो जाता था, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पीने का पानी नहीं मिलता था, तो बहुत दुखी थी वो लोग। तो यहाँ से गुरु नानक साहब गुजर रहे थे, तो यहाँ के जो लोग हैं उनका दुख देख करके उन्होंने पूछा कि क्या बात है, इतना दुख क्यों। तो उन्होंने बताया कि इस लेक का पानी ठंड के मौसम में फ्रीज हो जाता है, जिसके वजह से पीने का पानी नहीं मिलता है, तो हम लोग को अपना घर छोड़ कर के जाना होता है दूसरी जगह। तो उन्होंने इस लेक का किसी पार्ट पे हाथ रखा अपना, और अभी तक उस पार्ट का जो है ना पानी कभी भी फ्रीज नहीं होता, कभी भी बर्फ नहीं बनता है वो। सो इट इज़ द होली प्लेस फॉर तिब्बतियन एंड सिख। तो ये एक छोटा सा स्टोरी है, जो मैंने स्टोरी सुना है वही बताया। अगर इसमें कुछ भी अलग रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे को इतना ही पता था। अभी दीपायन बहुत देर से कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, क्या बोलना है दीपायन बोलो। गुरुद्वार रास्ते कॉन्क्रीटर रास्ता थे डाक दिखे बेचने देखे অনেক কোনো রাস্তা এগুলো খেগুলো একটা ইতে একটা এইদিকে একটা এরকম সাপের মতো গেছে, ঠিক আছে। চেষ্টা করবে সব থেকে ঘোরা যে বড়ো রাস্তাটা সেটা নেওয়ার, কারণ সেটা খুবই কম চলে, ঠিক আছে। মানে সেটা যে সবসময় তাই হবে তার কোনো মানে নেই, কিন্তু নর্মালি এটা হয়। এটা আমার সেকেন্ড টাইম গুরুদর্মা, তো ফার্স্ট টাইম আমি ভুলটা করেছিলাম শর্ট রুম থেকে তুলতে গিয়ে, ওকে। मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमेशा शॉर्टकट काम नहीं आता है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। आप नहीं समझ में आ रहा तो बाइक को रोक करके आप रास्ता देख लीजिए, जो भी आप लोगों को इजी लगता है वही रास्ता लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं जो अगर दीपायन जा रहा तो मैं वही रास्ता लूँगा, नो। हम लोगों भी नहीं अलग अलग रास्ता से आए, राइट। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है ना वही रास्ता लीजिए, और उतना ज़्यादा टफ नहीं है जो इतना यूट्यूब में है कि डेडली रोड, ये रोड, वो रोड, उतना भी ज़्यादा नहीं है, डुएबल है, आराम से कर सकते हैं। बट येस, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, और रास्ता को चूज़ करना सबसे बड़ा टास्क है। तो आई थिंक वी आर लकी इनफ कि हम लोगों ने यहाँ पे आकर स्नोफॉल भी देख लिया। थोड़ा मुश्किल हुआ, बट वो होता है ना सब्र का फल मीठा होता है, वही है। इतना मुश्किल झेल कर आए, और अभी देखिए सूरज चाचू भी थोड़ा थोड़ा जगने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सूरज चाचू जाग जाते हैं तब तो ज़बरदस्त भी हो जाएगा। और ऐसे भी स्नोफॉल भी देख लिया, तो सब कुछ मिल गया एक ही राइड में। और ये जो देख रहे हैं ना, ये कपूर बांधा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो डायमॉक्स, कपूर, अदरक, ये सब देसी जुगाड़ आप लेके आइए। तो अब चलिए, ज़्यादा टाइम स्पेंड यहाँ पे नहीं करते, ऑलमोस्ट हम लोगों को हाफ एन आवर हो गया, राइट। तो यहाँ पे अब फटाफट एक दो शॉट्स लेते हैं। जो फोटोज़ रहेगा वो आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और आईडी आपका स्क्रीन पे भी अभी आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं गोप्रो मोड में। यस, आई डू ब्लॉग, थैंक यू। मेरा 12:50 और निकल रहे हैं माइटी गुरुदोंगमार लेक से। तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया यहाँ पे, इतना ज़्यादा एक्चुअली रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज AMS का अटैक होने का चांस है। एक तो उधर से भी घूम के ही जाते हैं। तो यहाँ से गुरुदोंगमार का व्यू देखिए, फालतू में हम लोग वहाँ पे थे, एक्चुअली में आना तो आप एकदम एंड में आ जाइए और वहाँ से व्यू देखिए, एकदम ऑसम व्यू आएगा, ऑसम। और ये बात सही है कि चढ़ने से ज़्यादा उतरना मुश्किल होता है, बिकॉज डाउन हिल रहता है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि फ्रंट ब्रेक आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर फ्रंट ब्रेक डाला मतलब यू आर गॉन, चले जाओ, हो जाओ, इजी, चले जाओ। तो ये देखिए इतना ज़्यादा डाउन हिल है, और ये पूरा जो है ना मिट्टी का पैच है, तो स्किड भी करेगा, तो अगेन इंजन ब्रेकिंग
एंड रियर ब्रेकिंग, ये दो चीज़ आपका कितना आप मिक्स करके इसको लगा पाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और आई थिंक मैंने ये वाला जो रास्ता ले लिया, थोड़ा गलत रास्ता ले लिया, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ लग रहा है। और ये भाई साहब का क्या हुआ, कौन सा बाइक था, बुलेट खराब हो गया, चढ़ नहीं पा रहा है, एयर फिल्टर खोल दीजिए, चढ़ जाएगा। इस बार तो लग रहा है बहुत भयंकर वाला रास्ता ले लिया रे भाई। ये खतरनाक वाला ले लिया था। भाई साहब यहाँ पे तो रुक भी नहीं सकते हैं, और स्किड किया तो मतलब खत्म, बाय बाय टाटा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये मैं बोल सकता हूँ अभी तक का सबसे खतरनाक। तो वो देखिए वहाँ से इस तरह से उतर रहे, ओह, एंड इधर से जाएंगे थांग, तो अभी हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स टोफ्टो लेक। तो चलिए जाकर देखते हैं कितना दूर का परमिशन है। दीज आर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो आई शुड नॉट गो, ये सारा बंकर है। ए মনে হচ্ছে না এখানে সিভিলিয়ান অ্যালাউড, ঠিক আছে পুরো বঙ্কার আছে, মনে হচ্ছে না, ব্যাক করো, ব্যাক করে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো আই ডোন্ট থিংক গাইস ইয়াহা পে সিভিলিয়ান অ্যালাউড হ্যায়, কিউকি এক ভি বাইকার নেহি দিখা হ্যায় অর পুরো আর্মি কা বঙ্কার হ্যায়, তো ফোর্স হাম লোগ সিকিউরিটি হাম নেহি করেঙ্গে। We are at 15,000 cafe. Time हो रहा है 2:20, अभी जस्ट यहाँ पे पहुँचा, मोमो ऑर्डर किया, मोमो खाया, 2 कप चाय पिया, और इतना ज़्यादा हवा दे रहा है, इतना ज़्यादा हवा दे रहा है कि बाइक चला नहीं पा रहा है, चलाने में प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, बात भी नहीं कर पा रहे, मतलब फंबल हो रहा है ड्यू टू कोल्ड एंड ऑल। दीपायन भी आ गए, पायन तो अपना ग्लव्स अवस्था खराब, देख लो ठंडा है, रेली में जो हवा चल रहा है ना, मतलब एक तो आपको पता ही है यहाँ पे टेम्परेचर कम है, और इस तरह का हवा मतलब एकदम अंदर लग रहा है हड्डी तक जाकर के जी जोर दे रहा है, और हम लोग भीग चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब भीग चुके हैं। तभी हम लोग का सबसे बड़ा टास्क रहेगा लाचेन पहुंचना, एंड उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करेंगे, वहां से निकलना है या फिर वहां पे स्टे करना है। तो 15,000 कैफे से निकल रहे हैं हम लोग, तो 15,000 कैफे से निकल चुके हैं, और निकलते के साथ करीब करीब 4-5 किलोमीटर आया होगा, ब्यूटीफुल नज़ारा मिला, इसके लिए रुक गया। यहाँ पे रुका था थांगू में चाय पीने के लिए, और ये जो देख रहे हैं इसका क्या नाम है आंटी, बुखारी, बुखारी, ये जनरली लद्दाख में मिलता है, मैं यहाँ पे नहीं देखा था, आंटी के पास देखा, आधा घंटा ज्यादा रुक गया ना हम लोग यहाँ पे। ऑलराइट फ्रेंड, तो आ गए, मिशन गुरुदोंगमार अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुली, आपने देखा ये, बट वो राइड जो था खतरनाक राइड था, स्टार्ट ऑफ द राइड से ही बारिश हो रहा था, स्टिल हम लोगों ने जो प्लान था उसी पर स्टिक थे कि आज गुरुदोंगमार करना है। तो निकलते निकलते हम लोगों को यहाँ से हो गया 6 बजे यहाँ से राइड स्टार्ट किया, एंड ड्यू टू हेवी रेन
और लैंडस्लाइड के कारण बहुत सारा जैम मिला। इतना जैम मिला कि वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड वी स्पेंड देयर अराउंड 45 मिनट्स। उसके बाद थोड़ा ब्रीदिंग इशू भी हो रहा था तो फिर वहाँ से निकल गया। उसके बाद वापस रूम में, तो रूम आज मैंने दूसरा ले लिया, तो आज का रूम टूर मैं दे देता हूँ। ये रूम है, रूम पूरा मैसी होकर रखा है क्योंकि सामान रख दिया था, ये सब लैगेज क्योंकि पूरा बारिश में भीग गया था। ये वार्डरोब है, दो बेड है सिंगल, तो इस पर मैं सो जाऊँगा। और ये दीप ऑयन भाई के लिए टीवी है, वॉशरूम अटैच नहीं है, कोई बात नहीं है, आज रात का ही बात है, मैनेज कर लेंगे। होम स्टे का जो चार्ज पड़ा 1200 रुपये पर हेड, जिसमें डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। इस होम स्टे का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा एज यूजुअल, तो अगर आप आ रहे हैं तो यू कैन चेक इट आउट। तो आई थिंक यू हैव एंजॉयड द स्पेशल ब्लॉग फ्रॉम मिशन गुरुदोंगमार। तो चलिए आज का डे इसी नोट पे एंड करते हैं। कल का जो प्लान रहेगा अभी तक डिसाइडेड नहीं है क्योंकि जो वेदर यहाँ का है बहुत ही खराब होकर रखा है, पूरा बारिश हो रहा है, मतलब जब से राइड स्टार्ट किया और अभी तक कंटिन्यू बारिश हो रहा है, तो मे बी देयर विल बी सम चेंजेस इन द प्लान, तो वो मैं कल आपको बताऊंगा कल का जो राइड होगा वो क्या होगा। दीपांग भाई भी आ गए मोमो खाकर, मोमो कैसा था? बहुत बढ़िया था। अकेले मोमो खाकर आ गया भाई साहब, नहीं खाया तो क्या करें। ठीक है, कैसा था आज का, मतलब क्या एक्सपीरियंस है? प्रिपरेशन तो हम लोग दुजनी मिले एसेसिलम था ना, कि तो মানে প্রকৃতির আগে কি আর আমাদের প্রিপারেশন চলে? না না আমি ওটা বলছি না, মানে লোকজন বলে না কি গুরুদংমার যাবার খুবই টফ, ওটা ব্যাপার বলছে ওটা না, ওইটা যদি ঠিকঠাক থাকে, পরিস্থিতি ঠিকঠাক থাকে, ঠিক আছে টফ তো অবভিয়াসলি টফ বলি তো আমরা আসি সি, কিন্তু অতটাও টফ না, মানে অ্যাডভেঞ্চারাস ডুয়েবল রাইট। মানে আমি নিজে আমি একটা ভিডিও দেখেছি যা বলছে কি না এটা করা যাবে না, 100cc বাইক নিয়ে আর जो मल्टीपल रास्ता है ना शॉर्टकट में मत जाइएगा, जो भी आपको इजी लगता है थोड़ा लॉन्ग है वो रास्ता लीजिए, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। सो दिस वॉज द टिप फॉर द डे यू कैन से। तो चलिए और इस वीडियो को लंबा नहीं करते, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड बी हैप्पी, थैंक यू।